हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं खुशहाल डागर। तो भाई आज आपके सामने खड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये भाई 2013 का मॉडल, तो ऐसी कुछ लुक मिल जाती है भाई 2013 के मॉडल के हिसाब से। बात करते हैं साइड से, तो भाई साइड में 16 इंच की इसके अलॉय व्हील मिल जाते हैं और ऐसी कुछ लुक मिलती है। अब चलते गाड़ी के पीछे की तरफ, तो भाई पीछे से ऐसी कुछ लुक मिलती है। जो फॉर्च्यूनर की जो असली लुक थी वो इसी गाड़ी से जानी जाती है भाई फॉर्च्यूनर। अब तो भाई थोड़ी लग्जरी टाइप में आ गई है। तो आज इस गाड़ी के ओनर से मिलते हैं और इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। तो कैसे हो भाई संजू खटाना? तो भाई आपने वीडियो में भाई को देखा होगा, सभी जानते हैं अपने भाई संजू खटाना। तो भाई इस गाड़ी की कहानी बताओ, क्या रहा कि मतलब जो फॉर्च्यूनर 2013 मॉडल है तो यही क्यों ली थी भाई आपने? भाई अपने टाइम की जो यही जो भी। अच्छा, तो उस टाइम आप एंडेवर भी ले सकते थे भाई, उस टाइम की एंडेवर अच्छी नहीं। अच्छा, तो ये मतलब फॉर्च्यूनर मन बना था, तो कितने की पड़ी थी भाई उस टाइम? ये भाई ना पता उस टाइम की, मैं बहुत छोटा सा हूं। अच्छा, मतलब 27-28 के एयरफेयर में पड़ी थी उस टाइम। तो ये बताओ कौन सा मॉडल है? और 2013 नहीं, वैसे कौन सा मॉडल है? 4x4 है, मैनुअल है, 2x4 4x2, मतलब जो बेस मॉडल आता था वो ये है भाई फॉर्च्यूनर का। फॉर्च्यूनर भाई दो तीन मॉडल ही आते हैं अपने, एक तो ऑटोमेटिक 4x4, एक भाई मैनुअल 4x2। तो ये जो मतलब सबसे बेस मॉडल था वो है। तो चलने वगैरह में कैसी है भाई, कितनी चला दी आपने? भाई ये चल गई 182। 182,000? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा चला दी भाई। एवरेज वगैरह क्या दे देती है भाई? एवरेज वही 10-11। तो एक बार गाड़ी के अंदर चलो और अंदर से और दिखा देते भाई। तो भाई रिक्वेस्ट सेंसर उस टाइम पे मिलता नहीं था, तो ऐसा कुछ डोर मिलता है। डोर भाई काफ़ी ठीक है इसका, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दे रखे भाई उस हिसाब से। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी तगड़ा साउंड ऑन होने पे मिलता है भाई। तो और बात करते नई वाली फॉर्च्यूनर से, तो भाई इसमें ज्यादा हैवी लुक आती है भाई, इसमें बल्की बल्की सी लगती है ना, जैसे किसी चीज में बैठे है। हाँ। उसमें थोड़ा लग्जरी टाइप मिल जाता है। हाँ, वो लग्जरी है, ये थोड़ी सी बल्की टाइप है। अच्छा, तो आपको कौन सी फॉर्च्यूनर बढ़िया लगती है? वो नई वाली से आपको ये वाली बढ़िया लगती है? भागने वगैरह में कौन सी तगड़ी है? ये वाली बढ़िया भागती है, नई वाली छह गियर आगे भाई वैसे तो। अच्छा, जो पिकअप है, इंस्टेंट पिकअप, और जो आवाज करे गाड़ी, हाँ भाई मर्द है कुछ। अच्छा, वही हुई है। अच्छा, तो कितनी भगा रखे भाई ये? जैसे टॉप स्पीड भाई ये नॉर्मल रोड पे भी 140 चला रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल रोड पे, तो मतलब जैसे गड्ढे वड्डे नहीं देखते आप, सीधे भाग चली जाए, मतलब फील नहीं होता अगर जैसे गड्ढे वड्डे में जा रहे। भाई गड्ढे ना देखेंगे फिर ये गाड़ी के फायदे। हाँ, मतलब सस्पेंशन काफी कैसा है इसका? बहुत तगड़ा भाई। अगर जैसे अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर लेने में, तो कितने तक की मिल जाती है भाई ये? भाई ये 9-10 लाख में मिल जाएगी आपको, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो। मतलब ठीक रेट में भाई अपने मिल जाती है, 10 लाख में फॉर्च्यूनर मिल रही है तो और क्या ही लोगे। तो ऐसा कुछ भाई, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और इसके बारे में क्या कहोगे भाई, कैसा ब्लूटूथ वगैरह है? ब्लूटूथ है भाई, एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं है वो, जब ही ना। अच्छा, साउंड सिस्टम कैसा भाई गाड़ी भाई का? कमरे फिटेड है, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो कभी ये नहीं सोचा कि भाई इम्प्रूव करवा लूं? ना भाई, क्योंकि हम ज्यादा सुनते भी नहीं। अच्छा, तो एक चीज बताओ भाई, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर से ये ट्रेंड आया था जो ये मिरर है इसका। हाँ भाई, ये क्या काम आता है, क्या यूज है भाई इस मिरर का? भाई इसमें क्या है, एक तो फ्रंट जो अपनी गाड़ी की शो होती है वो दिख जाती है। हाँ। और एक ये साइड के जो फेंडर होता है ना। हाँ। ये दिख जाती है। अच्छा, फेंडर दिखता है, तो इस वजह से मतलब चला फॉर्च्यूनर। हाँ, से ये भाई। हाँ, फॉर्च्यूनर से चला, इसी मॉडल से चला। हाँ, हाँ। लोग कोई स्कॉर्पियो में लगवा रहा है, कोई कैसे लगवा रहा है, लगा लो। हाँ, कॉपी तो कोई कर लो, पर जो जेन्युइन है वो भाई फॉर्च्यूनर का ही आया था। तो ऐसा कुछ भाई इसमें वो मिल जाता है, इसका स्टीयरिंग व्हील। तो ब्रेकिंग वगैरह कैसी है भाई गाड़ी की? ब्रेकिंग मतलब आपने कितने पे ट्राई करी है, जैसे एकदम कभी इमरजेंसी ब्रेक? इमरजेंसी ब्रेक तो कभी लिए नहीं। अच्छा, मतलब वैसे जैसे 100 पे अगर जैसे आप टेस्ट लिए हैं तो ब्रेक तो लग जाते हैं, लेकिन लास्ट में ना जब बिल्कुल रुक जाती है, या तो हम क्लिच वगैरह की वजह से होता है, तो एक आवाज सी आती है ना वो गर्रर देसी, जैसे कि प्रेशर वाली गाड़ी में आवाज। हाँ। उस टाइप क्या है? अच्छा, वैसे कोई दिक्कत ना। एवरेज वगैरह क्या सीन है भाई? एवरेज भाई आपके सामने देखो, 10.4 की एवरेज दे रखी है भाई। तो देती इतनी है भाई एक्चुअल में, या फिर ये ऐसे ही शो कर रही है? आज तक ना पीना भाई। अच्छा, वैसे जो दिखावे वो है, फिर भी अंदाजा जैसे भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए और ना पेंगे के? ये बात भी है भाई। तो भाई 4x4 क्यों नहीं ली फिर उस टाइम पे? भाई 4x2 ली थी फिर, ली थी ना
यही ली थी 4x4 की इनोवा। अच्छा अवेलेबल नहीं थी शोरूम पे। तो भाई सनग्लास होल्डर वगैरह हर चीज मिल जाती है। ये थोड़ा लाइट इसलिए यहाँ से ऑन हो जाती है, ये भाई अपनी डोर पे ही ऑन होती है, ये ऑफ हो जाती है या डोर पे कर लो। और ऐसे कुछ भाई इसके वो मिल जाता है सनसेट्स यहाँ पे भाई मिल जाता है, लाइट नहीं मिलती। हालांकि इसके जो इससे ऊपर वाला मॉडल था उसमें मेरे हिसाब से लाइट वाइट में मिलती नहीं, है नहीं, ना भाई लाइट ना नहीं है। ये सीट कवर भाई कंपनी फिटेड है या फिर कंपनी के? अच्छा कंपनी उस टाइम पे सीट कवर भी देती थी, तो ये ऐसे कुछ सीट कवर मिल जाते हैं। तो अभी चेंज भी करवाया हमने। अच्छा ये चेंज है? हाँ ये पुराना है, ये बीच में फट गया था तो दोबारा। तो भाई इतना तो कुछ फील हो ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है। कंपनी से ही करवाया था भाई? कंपनी से। अच्छा तो भाई कंपनी मतलब सेम बिल्कुल मैचिंग कर देती है। अगर बाहर से आपने सीट कवर डलवाए होते तो सारे ही चेंज करवाने पड़ते। हाँ। भाई एक सेम तो मिलता ही नहीं। तो भाई ऐसी कुछ अपने भाई का रिव्यू था। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।